Dr. Satyapal Singh. Thank you very much, sir, for giving me time. सबसे पहले देश के विभिन्न भागों में 6 नई IIT लाने के लिए कश्मीर से लेकर के केरला तक ये जो IIT ब्रांड आएगा और आ रहा है उससे देश के अंदर न केवल साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च में उच्च शिक्षा की सुविधा होगी बस साथ साथ देश के इंटीग्रेशन के लिए एकता और अखंडता की जड़ें भी मजबूत होंगी और इसीलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व हमारी HRD मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और अभी के हमारे माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस एक्ट का इस बिल का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और मैं प्रकाश जी से ये उम्मीद भी करता हूं कि उनके अंडर में देश के अंदर एक नई उच्च विशेष रूप से कुछ शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी आएगी जो जिसको हम कह सकते हैं कि अपने धरातल से जुड़ी हो और विकास उन्मुखी हो रूटेड इन कल्चर एंड ओरिएंटेड टुवार्ड्स हारमोनियस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। सर हम लोग बहुत कह रहे हैं कि IIT और नेशनल इंपॉर्टेंस की इनको कैसे नेशनल इंपॉर्टेंस की कैसे उनको बनाया जाए कि न केवल नेशनल इंपॉर्टेंस की उनको ग्लोबल इंपॉर्टेंस की आज सवेरे से हम ये बात डिस्कस करें उसको कैसे उनको किया जाए। तो आज हमारे सामने ये कई मेरे से पहले वक्ताओं ने सवाल उठा किया है कि पहले IIT पर एक प्रश्न चिन्ह लगा आपने भी ये बात उठाई थी बोलते हुए कि कुछ जो जमाने में 1960s और 70s में ये हुआ कि हमारे जो IITs हैं दे बिकम द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिस्ट फॉर USA। इसके कारण ये था कि उस 1960s के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी बड़ी डिप्रेस थी और हमारी जो जिसको हम लेबोरेटरी फैसिलिटीज कह सकते हैं और जब हमारा जो इनएडुकेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका वो मेन कारण था। तो उनको हम ग्लोबली कम्पिटिटिव कैसे कर सकते हैं ये केवल IIT के नंबर डबल करने से बात नहीं बनेगी। मेरे कुछ इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे और कुछ सुझाव हैं जो माननीय मंत्री जी के सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कि हमारा जो सिस्टम ऑफ एडमिशन है बच्चों के लिए जो JEE हम खोलते ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आज उसमें जरूरत है कि 12वीं में 10+2 में उनके 75% मार्क्स होना चाहिए। नंबर एक बात ये कंडीशन जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बीमार हो सकता है कुछ कारण हो सकता है एक बच्चा जो बहुत ही ब्रिलियंट हो सकता है उस समय जब उसने एग्जाम दिया उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो इस 75% का जो कंडीशन प्रीकंडीशन मस्ट गो। नंबर टू आज जो है केवल मात्र 2 चांसेस मिलते हैं कि 12वीं जिस समय कर रहा है उसके साथ 1 साल और ये किसी भी दुनिया के किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की एज बार कहीं पर भी नहीं है। हमारा सिंपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए जो भी उसको क्वालिफाई कर रहा है उसको उसमें एडमिशन मिलना चाहिए। नंबर तीन बात हमारे जो ये सर टीचर्स हम लोग आज लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग लेते हैं फैकल्टी में लेते हैं आज हमें नई नई IIT बन से फैकल्टी की बहुत कमी है उसके अंदर एक परी कंडीशन है PhD की। बहुत ऐसे ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनके पास मान लीजिए हम इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन की बात करते हैं ये PhD की परी कंडीशन नहीं होना चाहिए। बाद में हम कर सकते हैं 5 साल के बाद एक बार जाओ अपॉइंटमेंट होने के बाद 5 साल के बाद वो PhD कंप्लीट करेंगे इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमारी जो न्यू IITs हैं उसके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। आज देश दुनिया के अंदर जिस प्रकार से एक एक सब्जेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है केवल मात्र पुराने डर्रे की IIT बनाने से बात नहीं बनेगी और कुछ IIT जो हैं एक तो उसकी लोकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी न्यू IIT कहाँ बने। वेदों के अंदर आता है उफ्वरे गिरणाम संगमे त नदनाम धिया विप्रो हो जायत कि जहाँ नदियों के संगम पर और पर्वतों की जो उसमें उनकी जो उनकी क्या बोलते हैं उसको पर्वतों की उसमें हिमालयों में घाटियों में बुद्धि जो है बहुत तेज बन जाती है बच्चों का जो है अगर शहरों से दूर रहेंगे बच्चे जो है उनका जो है डिस्ट्रैक्ट उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और बहुत फोकस से उसमें काम कर सकेंगे। नंबर एक बात लोकेशन की है। नंबर दो बात हम जो है इंस्टीट्यूट जो IIT बनाए बहुत फोकस सब्जेक्ट में बनाए जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल साइंसेज केमिकल साइंसेज नैनो टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर साइंसेज मेडिकल टेक्नोलॉजी और आज हम लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं कि केवल मात्र और उसके बाद एक कम से कम एक IIT डेडिकेटेड होना चाहिए रूरल टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस देश में 65% जनता जो है किसानों के ऊपर निर्भर करते हैं खेती पर निर्भर करती है कम से कम एक IIT जो है रूरल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है डेडिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो ओल्ड IIT हैं उसके बारे में मेरे सजेशन हैं हमारे जो
सिलेबस हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, और उसके लिए इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट बनाए जाए। एनर्जी, एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक, हमारे जो है इंजीनियरिंग अलग है और मेडिकल साइंस अलग है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारी IIT काम करें, हमारी बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज हमारे यहाँ उसमें की जाए। और कुछ IIT के जो कोर कॉम्पिटेंस है, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। IIT खड़गपुर और IIT मुंबई के अंदर आज से लगभग 30 साल पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिकल मशीन ग्रुप की इतनी अच्छी वहां पर फैकल्टी थी, लेकिन हम लोगों ने उसमें ध्यान नहीं दिया। आज वो खत्म हो गया। आज हमारे पास अगर वो फैकल्टी होती, उनको हम बढ़ावा देते, तो आज जापान से ट्रेन की टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे जो इंजीनियर, हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो उनके पास कैपेबिलिटी होती तो डेवलपिंग हाई स्पीड मैग्नेटिकल को लेविटेटेड ट्रेन हम बोलते हैं, बाहर से मंगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा निवेदन ये है, जिन IITs के अंदर कुछ कोर कॉम्पिटेंस है, उस कोर कॉम्पिटेंस को बढ़ाने का काम किया जाए। IIT दिल्ली के अंदर, IIT मुंबई के अंदर रूरल टेक्नोलॉजी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से उनको काम करवाया जाए। और उसके साथ साथ जो हमारे जो प्रोफेसर हैं, जो अच्छा कुछ में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम जैसे सबाटिकल होते हैं एक साल के लिए, उनके खिलाफ न जाए, उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिनको इंटेंसिव में काम करने दिया जाए। एक और विशेष मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मंत्री जी से, इस देश के अंदर एंशियंट इंडिया हम लोग बहुत बार करते हैं कि इतनी जबरदस्त हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हमारी IIT के अंदर एंशियंट टेक्नोलॉजी पर हमारे पास कोई नहीं है। मैं वहां गया अभी 1.5 साल पहले, उसमें स्विट्जरलैंड जिनेवा के पास, वहाँ पर जो दुनिया का लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी, या दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर काम करते हैं, वहाँ उनके फलक पर सर्न के ऊपर हमारे दो टेक्नोलॉजी, दो हमारे वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, विष्णुगुप्त और आर्यभट्ट। हमारी किसी IIT के अंदर ऐसा नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कुछ लोगों के मन में शंका हो सकती है कि ये तो लोग जो है पहले प्राचीन जमाने में ऐसा था या नहीं, कुछ लोगों के मन में शंका होती है, उनके लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं अगर आपकी परमिशन होगी। शिवकर बापूजी तलपदे 1895 में 1895 के अंदर मुंबई के चौपाटी पर उन्होंने 1500 फीट ऊंचाई तक प्लेन उड़ाया। उसके बाद उनको जो है उसमें कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद लासा 1965 में चाइनीज लोगों को तिब्बत के अंदर कुछ संस्कृत के जो है कुछ चैप्टर मिले, उन्होंने उसको ट्रांसलेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब चंडीगढ़ में भेजा। वहाँ पर प्रोफेसर लूथ रैना, उसने उसको ट्रांसलेट करके एक कॉपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में भेजी, और एक जो थी वो अपने चाइनीज को भेजी। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने कहा 10 साल के बाद ये यंत्र सर्वस के जो है पेजेस नहीं है और ये किसी भी काम के नहीं है, लेकिन चाइनीज ने 1975 के अंदर पेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये इंटर स्टेलर इससे स्पेसशिप बनाए जा सकते हैं और इसके आधार पर वो अपनी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। और ये बातें हमको तब मालूम चली जब 1985 के अंदर 1985 के अंदर एक अमेरिकन प्रोफेसर ने किताब लिखी एंटी ग्रेविटी हैंडबुक, और उस एंटी ग्रेविटी हैंडबुक ने, वो अमेरिकन जो प्रोफेसर था और डेविड हैचर, जिसको पढ़ना उसके नाम बता रहा हूँ, डेविड हैचर चाइल्ड रेस, उसने लिखा है कि किस प्रकार से 1965 के अंदर ये पेपर मिले थे और किस प्रकार से इंडिया के साइंटिस्टों ने इसको इग्नोर किया और चाइनीज ने इसके आधार पर अपने जो इंटरस्टेलर जो स्पेसशिप बनाए। तो मेरा निवेदन ये है कि अपने प्राचीन उसके ऊपर भी वो उस पर काम करने के लिए एक हमारी IIT उसके लिए डेडिकेट करना जरूरी है। उसके साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपना हैदराबाद का एक CSR प्रभु है, साइंटिस्ट नेशनल इंफॉर्मिक सेंटर में उसने काम किया, उसने भी यंत्र सर्वस्व के आधार पर एक सोलवेंट बनाया है, एंटी फायर सोलवेंट, आप कितने भी आग लो एक मिनट तक कितना भी आग नहीं पकड़ सकती, ऐसे उसने लाइटेस्ट स्ट्रोंगेस्ट एलॉय तैयार किया है अपने उसके आधार पर। इसके साथ साथ मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारा जो क्लोज इंटरेक्शन की कुछ लोग बोल करेंगे उससे नहीं होगा, लेकिन इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के बीच में कोला जब अपने फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो है उसको जो है प्रोजेक्ट दिए जाए, इंडस्ट्री से जो उसको जो है उसको फंडिंग किया जाए, इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से IIT उसको डेवलप करे। और एक और से ये होगा कि आज हमारे यहाँ जो फैकल्टी के जो कमी है, जो मैंने पहले पॉइंट रखा है, विदाउट PhD के आदमी भी वो हमारी IIT के अंदर आकर के पढ़ा सकते हैं। दुनिया के सभी डेवलप्ड देशों के अंदर इस प्रकार की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ एक और मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आज हमारी जो डिग्री है वो 4 साल की है,
ये बीटेक की डिग्री और एमटेक की डिग्री हमारे जितनी प्राइवेट है दूसरी यूनिवर्सिटी सब दे रहे हैं। मैं निवेदन मंत्री जी से ये करूंगा कि हमारे जो आईआईटीज है उसका एक ब्रांड बने, और ब्रांड बनाने के लिए जरूरी है कि उसका एक साल आज जिस प्रकार से जो लोग जो है सिलेबस बढ़ रहे हैं, इतनी जबर इन डेप्थ नॉलेज बढ़ती जा रही है, उसके लिए 5 साल का कोर्स करके इसकी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी ऐसे एक ऐसे डिग्री दी जाए जो एक्सक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव ओनली फॉर आईआईटीज। दुनिया में कोई नहीं दे सके, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। अगर इस प्रकार का हम ब्रांड तैयार करेंगे, निश्चित रूप से दुनिया में हमारा ब्रांड जो उसके लिए तैयार होगा। इसके साथ साथ मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो लोग जो अपने पढ़ने जाते हैं ग्रेट इंस्टीट्यूशन में, एक मैं उसको कोट कर रहा हूँ आपके उससे कि लोग केवल मात्र इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं कि वो ग्रेट इंस्टीट्यूशन में जाकर के बोर्ड पर बनेंगे। विलियम गोरी ने कहा, वन गोज टू ए ग्रेट स्कूल नॉट सो मच फॉर नॉलेज एज फॉर आर्ट्स एंड हैबिट्स, फॉर द हैबिट्स ऑफ अटेंशन, फॉर द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर द आर्ट ऑफ एंटायरली क्विकली एंटरिंग क्विकली इन टू द अनदर पर्सन थॉट्स, फॉर द आर्ट ऑफ इंडिकेटिंग असेंट और डिसेंट इन ग्रेजुएटी टर्म्स, एंड फॉर द आर्ट ऑफ वर्किंग आउट व्हाट इज पॉसिबल इन अ गिवन टाइम, फॉर टेस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेशन, फॉर मेंटल करेज एंड मेंटल असोबरनेस। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा आईआईटी सिस्टम में आए ब्रांड हमारे स्टूडेंट के अंदर रखा। सर एक मिनट, मंत्री से मैं निवेदन करूँगा, मैं बागपत के लिए कोई नई आईआईटी नहीं मांग रहा हूँ, मैं बागपत के लिए केवल एक केंद्रीय विद्यालय मांग रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों का एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े और हमारे बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होकर के पढ़ करके आईआईटी में सेलेक्ट हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।